स्टूडेंट, क्लास एट में हमारा चैप्टर जो चल रहा था थर्ड नंबर का, कल हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने हमारा वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं, संख्या एक रैयत, रैयत का आंसर है किसान। महाल, महाल जो है उसका आंसर है, दो नंबर लगाया है, देखिए ग्राम समूह। तीसरा है निज, निज का मैंने लगा रखा है बागान, मालिकों की अपनी जमीन की भूमि पर खेती। और चौथा है रेती, जिसका होता है रेतों की जमीन की खेती। फिर सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, रिक्त स्थान भरने हैं। उसमें लिखा है यूरोप में वोड उत्पादकों को रिक्त स्थान में मैंने भरा है, नील से अपनी आमदनी की गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा था, ठीक है। दूसरा है 18वीं शताब्दी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकरण के कारण क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट जो हमारा है गए वो है, कृत्रिम रंग की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर क्या हुआ, बुरा असर पड़ा। और चौथा है चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था, किसके खिलाफ था, नील बागान मालिकों के खिलाफ। अब आता है हमारा नेक्स्ट जो हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, 6, इसका मैंने उत्तर, जिसे प्रश्न नंबर 3 है, स्थाई बंदोबस्त में मुख्य पहलुओं का वर्णन करिए। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, उसमें था कि राजा और तालुकदारों को ज़मीनों के रूप में मान्यता दी गई थी, किसानों से लागान वसूलने और राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया गया था, चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय की गई थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। और चौथा है जमीन में निवेश करना और खेती के अंग्रेजों ने क्या बनाए, नए कानून बनाए। ये इसका मुख्य रूप से मुख्य पहलुओं का वर्णन है। चौथा प्रश्न जो हमारा है कि महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी, क्योंकि स्थायी में तो क्या था, स्थायी राशि चुकाने का तय किया गया था, जबकि महलवारी में राजस्व इकट्ठा करना और उसे कंपनी को अदा करने के लिए जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया था। इस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था, महलवारी व्यवस्था दिया गया था। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, राजस्व निर्धारण के लिए नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई दो समस्या है कि रियायतों को से आशा की गई थी कि वे अपने खेती में क्या करेंगे, सुधार करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। दूसरी समस्या थी राजस्व अधिकारियों में भू राजस्व की दर काफ़ी ऊँची रखी, रैयतों को इतना राजस्व देने की स्थिति में नहीं थे। तो ये दो समस्याएं थी उनको। और छठा क्वेश्चन हमारा था, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, उसके कारण थे उन्हें नील की खेती करने के लिए अधिक कर्ज दिया गया था, कम मूल्य पर फसलें बेचने को उनको मजबूर किया जा रहा था, तीसरा था उन्हें जमीन के निश्चित हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ रही थी, और चौथा कारण था अधिक और मेहनत की आवश्यकता, नील को पैदा करने के लिए अधिक मेहनत और अधिक पैसे की आवश्यकता होती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील के उत्पादन धराशायी हो गए, उसका कारण था कि बंगाल में नील उत्पादक किसानों को कर्ज दिया जाता था, दूसरा कर्ज ले लेते थे फिर चुका नहीं पाते थे, और दूसरा जो उत्पादित करते थे उसकी कीमत कम मिलती थी रेतों को क्या है, जो उत्पादित माल था उसकी कीमत बहुत कम दी जाती थी, इसलिए धराशायी हो गई। और तीसरा कारण था भूमि पे जहाँ पर नील की खेती की जाती थी उसकी उर्वरक क्षमता क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, वह धान की खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती थी, ठीक है। तो इस तरह से इस लेसन के मैंने आज सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर शो किए हैं बच्चों। आप सभी होमवर्क कॉपी में इन सबको करते जाएं। साथ ही साथ मैंने आपको बहुत सारे और भी प्रश्न बताया था जो आपको बतानी हैं, इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। समय समय पे मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कब किया, जैसा कि आपकी पृष्ठ संख्या पे 26 पर पहली लाइन में इसका नाम था, 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, ठीक है। और किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, है ना, रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। इस तरह से और भी कई क्वेश्चन जो छोटे छोटे समय समय पर मैं बताती रही हूँ आपको, इसमें जो हैं आप सभी उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे उन्होंने मुनरो व्यवस्था किसने करी, तो आप लिखेंगे मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1819 से 1826 में
व्यवस्था लागू की। इसी तरह पूछा जाए आपसे कि बंगाल में भीषण अकाल कब पड़ा, तो 1770 ईस्वी में क्या पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। ऐसे पूछा जाए स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था, तो आप लिखेंगे 1793 ईस्वी में ये लागू किया था। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है कि होल्ट मैकेंजिंग नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था शुरू की थी जिसका नाम था महलवारी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो बीच बीच में से मिलते हैं उनको भी आपको करना है। जैसे महल क्या होता है, तो आपने को मैंने बताया था ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल की एक राजस्व इकाई थी, यह एक गांव या गाँव का क्या होती थी, समूह होती थी। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बागान किसे कहते हैं, तो आपको बताया था एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों को जबरन काम कराता था, जैसे चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान। ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे जो प्रश्न हैं, बीघा किसे कहते हैं, जैसे गुलाम किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास या स्वामी की संपत्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुलाम कहते हैं। बीघा किसे कहते हैं, ज़मीन का एक माप है जिसे हम बीघा कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हमारे यहाँ छोटे छोटे भी बनते हैं जिन्हें आपको करना है होमवर्क कॉपी के अंदर, और मुझे होमवर्क दिखाना है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।